गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर और आप, मेरा नाम है शशांत कसे और आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। इसमें आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर और हम पढ़ेंगे 17 दिसंबर की डेली करंट अफेयर और आज है 18 दिसंबर, ठीक है। फ्रांस के रक्षा मंत्री क्या नाम है इनका, फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, इन्होंने क्या किया, फ्लोरेंस पार्ली ने 17 दिसंबर को भारत की यात्रा की। कितनी तारीख को, 17 दिसंबर को उन्होंने भारत की यात्रा पर, ठीक है। कौन है, फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, ये भारत की यात्रा पे 17 दिसंबर को। उद्देश्य क्या है इनका, उद्देश्य जब दो दूसरे को रक्षा मंत्री आपस में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, इस चीज के ऊपर इनका उद्देश्य क्या है। रणनीति भारत व फ्रांस की भारत और फ्रांस की रणनीति और क्या है इसमें, रक्षा संबंधों में मजबूती, रक्षा संबंधों में मजबूती इनका उद्देश्य है। और पिछली यात्रा में भारतीय सेना द्वारा पहले 5 राफेल विमानों शामिल होने के समारोह के लिए इस सितंबर 2020 में हुई थी, मतलब सितंबर 2020 में इनकी हुई थी पिछली यात्रा, ठीक है। इस यात्रा में इन्होंने भारतीय सेना 5 राफेल विमान शामिल होने के समारोह में इनकी पिछली यात्रा हुई थी, ठीक है। इसमें इन्होंने 5 राफेल भेजे थे जो कि भारत ने इसके लिए पैसा दिया था, इसलिए इनकी पिछली यात्रा में सितंबर 2020 में हुई थी जिसमें उन्होंने 5 राफेल भेजे थे। पेटीएम ने 15 दिसंबर को एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इस प्लेटफॉर्म का नाम है एडटेक प्लेटफॉर्म पेटीएम वेल्थ अकेडमी। पेटीएम अकेडमी लॉन्च की, इसमें क्या किया इन्होंने, देश भर के व्यापार और निवेश के लिए भारत में व्यापार और निवेशक देश भर के व्यापारी और निवेशकों के लिए इन्होंने प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के लिए इन्होंने अपने क्या खोल दिए, पाठ्यक्रम के अलावा मंच विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के वेबिनार में प्रदान करेगा। मतलब पेटीएम ने 15 दिसंबर को एकेडमी प्लेटफॉर्म पेटीएम वेल्थ ऑफ एकेडमी, मतलब इसमें देश भर के व्यापारिक और निवेशकों के लिए इन्होंने क्या बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की थी कि मतलब आपको प्रशिक्षण देंगे और उस पाठ्यक्रम को समझाएंगे, ठीक है, पाठ्यक्रम को समझाएंगे। इस मंच में बहुत बहुत सारे अलग अलग व्यापार के बारे में बताया जाएगा। नागालैंड के सीएम क्या नाम है इनका, नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने क्या किया, ऑनलाइन इनर लाइन
इनर लाइन परमिट, जिसको अपन को IPL, जिसको अपन को आईएलपी लॉन्च किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, नागालैंड के सीएम ने नेफ्रियो रियो ने ऑनलाइन इनर लाइन परमिट लॉन्च किया, ठीक है। इसमें क्या किया उन्होंने, पर्यटकों के लिए ऑनलाइन मुद्दे मॉडल को नवंबर 2000, मतलब इस मुद्दे इस परमिट को कब से चल रहा है, 2019 से इस चीज़ के लिए वे, मतलब पर्यटन के लिए इस चीज़ को बोला जा रहा है, किसके लिए, मतलब ऑनलाइन सुविधा करने के लिए 2019 से इस चीज़ को बोला जा रहा है, ठीक है। नवंबर 19 से, कब से, नवंबर 19 से, जो अब जाकर इस चीज़ पे मंजूरी मिल गई, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें नया मॉडल होगा, जिसके तहत अन्य श्रेणी के, जैसे अन्य श्रेणी में अन्य श्रेणियों में क्या होगा, इस चीज में कौन कौन सी श्रेणियां शामिल रहेंगी, इसमें व्यावसायिक, व्यापारियों, मजदूरों, और क्या होगा इसमें, पुजारियों, इसमें व्यापारी मजदूरों पुजारियों, ठीक है, और किस चीज़ के लिए, व्यापारियों और छात्रों को कवर करने के लिए, छात्रों को कवर करेगा, ठीक है। क्या करेगा ये नया मॉडल, अन्य श्रेणी के व्यापारियों, मजदूरों, पुजारियों, छात्रों को कवर करेगा इस मॉडल के तहत, ठीक है। 22 एडमिरल, वाइस एडमिरल संजय, क्या नाम है इनका, संजय वास्यन, इन्होंने क्या किया, इनको 16 दिसंबर को पूर्व नौसेना कमान के चीफ ऑफ, मतलब वाइस एडमिरल संजय वास्यन, सही से लिख लो इसको, ठीक है। संजय को क्या किया गया, इनको क्या किया गया, 16 दिसंबर 2021 को, ठीक है, इनको पूर्वी नौसेना, पूर्वी नौसेना का कमान, क्या नाम कमान का, क्या नाम, चीफ ऑफ, चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार को संभालने के लिए, मतलब एक जो चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार है जो कि संजय जी संभालेंगे, जो 22 एडमिरल हैं, ठीक है, जो पूर्वी नौसेना कमान है जिसका नाम है चीफ ऑफ स्टाफ, वो संभालेंगे संजय, ठीक है। इन्हें फरवरी 20 से फरवरी 21 तक इन्होंने क्या संभाला, विशाखापट्टनम के पूर्व विशाखापट्टनम में पूर्वी पूर्वी बेड़े की कमान संभाली है, ठीक है। इन्होंने अभी कहाँ की संभाली, विशाखापट्टनम के पूर्व बेड़ों की कमान संभाली है इन्होंने अभी।
एडमिनल कौन है? संदीप मेहता। इन्होंने क्या किया? संदीप मेहता ने फ्लाइंग ऑफिसर कमांड महाराष्ट्र, मतलब इन्होंने फ्लाइंग, फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया, ठीक है, क्या किया? और मुंबई जिसमें इन्होंने क्या किया, फ्लाइंग रियर एडमिरल संदीप मेहता ने फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया फॉर्मा मुंबई, ठीक है, के रूप में पदभार ग्रहण किया, ठीक है, इसका पदभार इन्होंने ग्रहण किया। इन्होंने और क्या किया, विशिष्ट सेवा, विशिष्ट सेवा के पद पे प्राप्त कर चुके हैं, विशिष्ट सेवा के पद प्राप्त करता है ये, ठीक है, इन्होंने विशिष्ट सेवा का पद भी प्राप्त किया है, पदक प्राप्त किया है, विशिष्ट सेवा का पदक भी प्राप्त किया है इन्होंने, ठीक है। और ये इन्होंने की प्रमुख नियुक्तियां कहाँ कहाँ थी, इनकी प्रमुख नियुक्तियां थी ठीक है, इनकी HQSNC में इनकी कमांड ऑपरेशन ऑफिसर की ऑपरेशन ऑफिसर की, ठीक है, इनकी क्या थी, वो थी नियुक्ति, ठीक है। और NAVCC एनिसो के चीफ स्टाफ ऑफिसर, ठीक है, चीफ स्टाफ ऑफिसर आदि में शामिल थे। इनके विशिष्ट सेवा पदक भी मिल चुका है इन्हें, उनको इनको कमांड ऑपरेशन ऑफिसर भी मिल जाए, इनको किसमें, HQCNC और NAVCC में इनके चीफ ऑफ स्टाफ के ऑफिसर भी रह चुके हैं, ठीक है, सरकार ने किससे, फ्रांस से एक समझौता किया है तकनीकी संयोग में, ठीक है, तकनीकी संयोग में इन्होंने क्या किया, 1650 मेगावाट, कितना, 1650 मेगावाट के 6 परमाणु, सरकार ने फ्रांस की मदद से 1650 मेगावाट के 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए, ठीक है, और कहाँ किए, महाराष्ट्र के जैता, कहाँ पे किए इन्होंने, महाराष्ट्र महाराष्ट्र के जैतापुर में इन्होंने क्या किए, 6 रिएक्टर स्थापित किए। यह इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 9900 मेगावाट की कुल क्षमता है। सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन गया है, मतलब यह सबसे बड़ा, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्थल बन गया है जो कि भारत में स्थित होगा। कितना होगा, 9900 मेगावाट का, ठीक है, वर्तमान में भारत के पास।
अभी वर्तमान में भारत पर 6780 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर अभी भी स्थित है। इसके बाद 9900 मेगावाट के बाद भारत सब नंबर वन पे आ जाएगा ऊर्जा निर्माण के मामले में, वो भी परमाणु रिएक्टर में। और इसको इसकी जानकारी किसने दी? डॉक्टर केंद्रीय मंत्री जिनका क्या नाम है, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने इस चीज़ को बताया है कि मतलब हम भारत में फ्रांस की मदद से 1650 मेगावाट के 6 परमाणु रिएक्टर की स्थापना कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के जैतापुर में है, जिसमें 9900 मेगावाट किसकी पावर होगी। और यह भारत में सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा परमाणु स्थल होगा। ठीक है, भूटान में किसने, भूटान ने, भूटान ने किया है, भूटान ने पीएम मोदी, पीएम मोदी जी को क्या दिया, इन्होंने क्या दिया पीएम मोदी को, इन्होंने सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार दिया। भूटान ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार दिया। ठीक है, किस तारीख को दिया, 17 दिसंबर को इनको सर्वोच्च नागरिकता का पुरस्कार दिया। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम क्या है, नागदग, नागदग पेल जी खोरलो खोलो से सम्मानित किया। किसको, भूटान में भारत, भूटान को देश के, भूटान देश को, देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नागडाग पेलवी खोरब्लो से पीएम मोदी को सम्मानित किया। ठीक है, और इसी दिन इनका क्या था, 17 दिसंबर को इन क्या क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, इसी दिन पर इनको पुरस्कार दिया गया। और क्यों दिया गया, कोविड-19 में महामारी के दौर में भारत महामारी के दौर में भारत के राहत, मतलब भारत ने इनको, मतलब भारत की तरफ से इनको सहायता मिली थी, इसलिए इन्होंने इस सम्मान से इसको क्या किया, हमको इस सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया। ठीक है, और 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं की शादी, लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष कर दी। कितनी तारीख को, 15 दिसंबर 2021 को इस चीज़ को कर दिया, और यह उम्र अभी और लड़कों की उम्र 21 ही वर्ष रहने दी। ठीक है, प्लीज फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।